Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the concepts of marketing. And the fourth concept of marketing is known as the selling concept. जैसा कि orientation के point of view से हम marketing के different concepts को discuss कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं डिस्कस करने से, उनको डिस्कस करेंगे। और सीक्वेंस में फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है इस सेलिंग कॉन्सेप्ट का? द सेल्स कॉन्सेप्ट मेंटेन्स दैट द कंपनी हैज़ टू एग्रेसिवली प्रमोट एंड पुश इट्स प्रोडक्ट। इट कैन नॉट एक्सपेक्ट इट्स प्रोडक्ट to get picked up by the customer automatically. Heavy advertising, high power personal selling, large scale sales promotion, heavy price discounts and strong publicity and public relation are the normal tools used by the organization. यानी कि बहुत सिंपल वे में इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया था और इसमें कहा गया कि अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहती है तो इसके लिए इसको एग्रेसिव वे में प्रमोशन पॉलिसीज को फॉरवर्ड करना होगा और इन प्रमोशन पॉलिसी के बेसिस पर प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करना होगा, तब जाकर प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट केवल और केवल प्रोडक्ट के सेल पर फोकस करता है। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा, अब उसे अगर मार्केट में इसे कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना है, उसके पास तक सेल करना है, तो इसके लिए इसे एग्रेसिव प्रमोशनल टूल्स का यूज करना पड़ेगा और इसके बेसिस पर ही प्रोडक्ट को पुश करके इसको सेल किया जा सकता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये मानता है कि कंज्यूमर्स या कस्टमर्स ऑटोमेटिकली किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिकअप नहीं करते हैं, परचेज नहीं करते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट को पुश किया जाना जरूरी है। जब तक आप पुश नहीं करोगे प्रोडक्ट को, तब तक उसको सेल नहीं कर सकते कस्टमर्स तक, और इसके लिए हैवी और एग्रेसिव प्रमोशनल टूल्स को यूज किया जाना कंपल्सरी बताया गया है इस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां हैवी एडवर्टाइजिंग, हाई पावर पर्सनल सेलिंग, लार्ज स्केल सेल्स प्रमोशन और हैवी प्राइस डिस्काउंट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन को यूज किया जाता है, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रॉपरली प्रमोट करती है। इट मीन्स दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड टू द कंज्यूमर्स बाय क्रिएटिंग नीड एंड अराउजिंग इंटरेस्ट इन देम थ्रू डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज। यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये बिलीव करता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना है, तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल है जब उसकी पर्टिकुलर नीड को मार्केट में कस्टमर्स के बीच में अराइज किया जाए और कस्टमर्स का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अराइज किया जाए। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ता है, उसको फोकस करना पड़ता है, उसके बेसिस पर ही ये पॉसिबल है। और इसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में सेल कर सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें कंक्लूड कर सकते हैं, या मैंने एरो के बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड किया है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज द फैक्ट्री वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट द मास लेवल। यानी कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फोकस क्या है? केवल और केवल द फोकस इज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है और उसको सेल करना है। मीन क्या है प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए? सेलिंग एंड प्रमोशनल टूल्स को फॉलो किया जाता है। डिफरेंट टाइप के सेलिंग एंड प्रमोशनल टूल्स, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, इस तरह से इन टूल्स का यूज करते हुए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड क्या है इसका? प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। यानी कि जब एक बार आपका लार्ज क्वांटिटी कंज्यूमर्स के द्वारा परचेज की जानी शुरू कर दी जाती है, और तब आपको प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, यहाँ एंड हो जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, और जब प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर्स के बीच में सेल हो जाता है, वहाँ जाकर इसका फिनिश पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह से जो सेल्स कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल प्रोडक्ट की सेल्स पर ही फोकस करता है, नथिंग एल्स, उसे बाकी और किसी पॉइंट से मतलब नहीं होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फोकसेस अटेंशन ऑन नीड्स ऑफ सेलर्स बट नॉट ऑन कंज्यूमर्स। तो सेलर्स की नीड्स पर तो एक प्रॉपर फोकस, एक अटेंशन को फोकस कर रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन इसे कंज्यूमर की नीड्स से कोई लेने देना नहीं होता है। इसका मेन पर्पज होता है कि किसी भी तरीके से सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए और उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जाए, और इसके लिए डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को इनकी तरफ से फोकस किया जाता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट का।
नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट. क्या क्या मेन फीचर्स हैं इस सेलिंग कॉन्सेप्ट के, जैसे कि हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसके कुछ फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्या क्या फीचर्स हैं इसके? द वेरी फर्स्ट फीचर इज द सेलिंग ओरिएंटेशन. द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज टुवर्ड्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ओनली. कि चाहे इसके लिए डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल एक्टिविटीज पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च क्यों ना करना पड़े, लेकिन पर्पज क्या है? केवल और केवल प्रोडक्ट को मार्केट में हैवी प्रमोशनल टूल्स का यूज करते हुए सेल करना और सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेकेंड वन इज द एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन. और इस पर्टिकुलर सेलिंग ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए या इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशंस? एग्रेसिव वे में, हैवी वे में सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज को फोकस करती है, उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, एडवर्टाइजिंग करती हैं, पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करती है, पब्लिसिटी को फोकस करती हैं, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को लॉन्च करती हैं और डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज करते हुए एग्रेसिव वे में प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करती हैं. थर्ड वन इज द नो कंसर्न विद कंज्यूमर्स नीड्स. कोई मतलब नहीं है इन्हें. जब हम सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसका कंसर्न जो होता है केवल और केवल सेलर की नीड को फुलफिल करना होता है, ना कि कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करना. यहाँ कंज्यूमर्स की नीड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है. नो अटेंशन इज पेड टुवर्ड्स द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स. फोर्थ फीचर कस्टमर परसुएशन. केवल परसुएशन को फोकस किया जाता है कि कस्टमर्स क्या परसुएड करते हैं, उनके परसुएशन को फोकस किया जाता है और उस परसुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करके हैवी लेवल पर प्रमोशनल एक्टिविटीज को फोकस करके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है. तो केवल केवल कंज्यूमर्स कस्टमर के परसुएशन को पॉइंट ऑफ व्यू या कस्टमर के परसुएशन को ध्यान में रखते हुए ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज द प्रोडक्शन एज सेंट्रल फंक्शन. यह जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके का सेंट्रल फंक्शन हो गया, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस भी करोगे. तो द मोर फोकस इज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड टू सेल इट अप टू द लार्ज क्वांटिटी इन द मार्केट सो एज टू मेक इट्स प्रॉफिट मोर एंड मोर. तो इसी वजह से यहाँ पर जो सेंट्रल फंक्शन है सेलिंग कॉन्सेप्ट का, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड दिस इज नोन एज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. यस, को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का भी नाम देते हैं. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या था और किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इसने अपने कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया था? द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वॉज बॉर्न आउट ऑफ अवेयरनेस दैट अ बिजनेस शुड स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर वॉन्ट्स एंड एंड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज वॉन्ट्स. द कॉन्सेप्ट पुट्स द कंज्यूमर एट बोथ द बिगिनिंग एंड the end of business cycle. It stipulates that any business should be organized around the marketing function and its task should be one of the anticipating, stimulating and meeting customer's requirement. The customer has to be the center of business universe. A business will only get success if it will supply products and services that are designed to serve द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. तो इसने बहुत एक सिंपल फोकस किया था, इसने जो फोकस किया वो कंज्यूमर की नीड्स पर फोकस किया और इस कॉन्सेप्ट का ये मानना था कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं दैट मस्ट स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर वॉन्ट्स और जो इसका फिनिश होना चाहिए वो कस्टमर के वॉन्ट के सेटिस्फैक्शन के साथ में होना चाहिए. यानी कि मार्केटिंग का फुल फोकस और केवल कस्टमर्स पर ही होना चाहिए. यानी कि इस कॉन्सेप्ट की जो सेंट्रल थीम थे वो क्या थे? कंज्यूमर्स को इसने अपनी सेंट्रल थीम माना, कंज्यूमर को इसने अपना सेंट्रल आइडिया माना और इसके अराउंड ही अपनी डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटीज को डिजाइन किया. इस कॉन्सेप्ट का यह मानना था कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं उसकी बिगिनिंग और एंड में कस्टमर ही होना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को उसके मार्केटिंग फंक्शन के अराउंड इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एंटिसिपेट किया जा सके, उसको स्टिमुलेट किया जा सके और उसको प्रॉपरली मीट आउट किया जा सके. इस तरह से बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए मार्केटिंग फंक्शन के रिगार्डिंग. बिजनेस यूनिवर्स
का सेंटर होना चाहिए कस्टमर को। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेस गेन कर सकता है जब ये ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स को सप्लाई करे जो उनकी नीड को प्रॉपरली सर्व कर रही हो। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे जो प्रॉपरली कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होंगे या उनकी नीड्स को प्रॉपरली सर्व कर रहे होंगे, कस्टमर्स उसको मैक्सिमम लेवल तक लाइक करेंगे, उसे परचेज करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे और उसके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करते रहेंगे जब तक कि वो उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा। तो एक तरीके से अगर आप अपने कस्टमर्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने साथ में अटैच करना चाहते हो तो उसके लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फोकस करना ही होगा। ड्रकर के अकॉर्डिंग द एसेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज दैट द एंटायर बिजनेस हैज टू बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर। ड्रकर ने भी यही कहा, उन्होंने भी कहा कि अगर किसी बिजनेस को सक्सेस गेन करनी है तो उसके जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन एसेंशियल एलिमेंट है वो केवल और केवल कस्टमर ही होना चाहिए। उसकी एक्टिविटीज मार्केटिंग के रेफरेंस में कस्टमर से स्टार्ट होनी चाहिए और कस्टमर पर ही फिनिश होनी चाहिए। अगर हम किसी भी ऐसी कंपनी की बात करें जो इस पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर रही होती है, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी वर्कर या कोई भी मैनेजर, उसे कस्टमर के अकॉर्डिंग ही सोचना होगा और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही उसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा, तब जाकर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसका प्रॉपर रिजल्ट भी अचीव किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अप्रोच को, क्या इसका कंक्लूजन रहेगा? द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एसेंशियली अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट बिजनेस। इट डिफाइंस दैट बिजनेस इज बेसिकली अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस एंड दैट बिजनेस मस्ट बी मैनेज्ड कीपिंग द कंज्यूमर एंड हिज नीड एज द फोकस। द कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स दैट ऑल गोल्स ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट मस्ट बी रियलाइज्ड थ्रू कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड जनरेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो दिस इज अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अप्रोच, जिसका कहना है कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस का एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, एक एसेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें इस कॉन्सेप्ट को नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है और बिजनेस के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए मैनेज किया जाना चाहिए और उनकी नीड को फोकस में रखते हुए इन एक्टिविटीज को मैनेज किया जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के जितने भी गोल्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट ही क्यों ना हो, उसको तब रियलाइज किया जाना चाहिए जब आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को जनरेट कर पाओ। यानी कि अगर आप कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को या उसके गोल को अचीव कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सारे गोल्स अचीव हो जाते हैं, जहां तक कि जो आपका प्रॉफिट का गोल है वो भी अचीव हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर कंप्लीटली फोकस करना होगा। ये कहना है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अप्रोच का। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं? अ लॉट्स ऑफ फीचर्स आर देयर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बट वी विल स्टडी अबाउट फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द वेरी फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर ओरिएंटेशन। द मेन ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज टुवर्ड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेनली फोकस में कौन रहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए ही एक प्रॉपर टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप की जाती है और जब ये कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं और उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को रियलाइज करती है। तो हियर द टोटल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स द नीड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर? सेकेंड वन इज द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट विद मार्केटिंग एज द सेंट्रल थीम। ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें मार्केटिंग को सेंट्रल थीम की तरह यूज किया जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मार्केटिंग के अलावा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड टुवर्ड्स इट्स सेटिस्फेक्शन। कि किस तरह से कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किस तरह से इसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट के साथ में अपना कंट्रीब्यूशन एंश्योर करते हैं और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। जबकि मार्केटिंग क्या रहती है? मार्केटिंग सेंटर में रहती है और इसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर गोल को प्रॉपरली अचीव किया जाता है। थर्ड वन इज द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। द टोटल एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर।
कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है. एंड द लास्ट वन इज द रियलाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट. और एक बार जब कंज्यूमर कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको रियलाइज कर लिया जाता है. यहाँ तक कि प्रॉफिट को तभी रियलाइज किया जाता है जब एक बार आपका कस्टमर प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाता है. ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. थैंक यू.